शाही नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी विल टेक जस्टिस, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस नहीं चलेगी। स्टॉप डूइंग पॉलिटिकल स्टंट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप डूइंग पॉलिटिकल स्टंट। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जेके एसएसबी होश में आओ, जेके एसएसबी नहीं चलेगी। दाना शाही नहीं चलेगी। स्टॉप डिटिनेटिंग द यूथ, स्टॉप इट, स्टॉप इट। दाना शाही नहीं चलेगी। जेकेएसएसबी होश में आओ, जेकेएसएसबी होश में आओ। स्टॉप डिटीरियोरेटिंग द यूथ, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप डिटीरियोरेटिंग द यूथ, स्टॉप इट, स्टॉप इट। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। स्टॉप पॉलिटिकल स्टैंड, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप पॉलिटिकल स्टैंड, स्टॉप इट, स्टॉप इट। दाना शाही नहीं चलेगी, दाना शाही नहीं चलेगी। मैं रियान आशिक दर कश्मीर स्टूडेंट्स फोरम का सरबरा हूँ। हमारे पास कल कंप्लेंट्स आई, जेकेएसएसबी ने डेट शीट रिलीज किया है, एग्जाम डेट आ गया है एस्पायरेंट्स का, और उसमें बहुत ज़्यादा मजम्मत की जाती है जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स का, जिनमें जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम हो रहा है और पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनी है ताकि हम सारे स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिवली एक बात करें, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग जेकेएसएसबी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मसला ऐसा है, 8 दिसंबर को जेई सिविल का सिलेबस रिलीज हो गया और इनका एग्जाम डेट 15 जनवरी है। टोटल 35 दिन इनको मिल रहे हैं। 35 दिन में कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम के लिए कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकता है? ये या तो इन एस्पायरेंट्स जो 20-20 साल से पढ़ रहे हैं इनको पागल समझ रहे हैं, या तो इनको कोई पॉलिटिकल स्टंट करना है इस बारे में। उसके अलावा 15 जनवरी को एग्जाम है जेई सिविल इंजीनियरिंग का, और उसके बाद 20th को जूनियर असिस्टेंट का है। 5 दिन का गैप दे रहे हैं एग्जाम में। जिसने 2 में फॉर्म भरा है वो बेचारा क्या करेगा? सुखी ने जहारत क्या करे? पता छूती वन यूथ क्या सुसाइड करान यूथ नहीं छूनो तो यही दिमाग, कोई फील्ड ही नहीं मिल रहा है इनको। इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनका अभी पूरा मुतालबा यही है ओपन वर्ड्स में कि डेट शीट को पोस्टपोन किया जाए। इट शुड बी डिलेड ओपनली कैटेगोरिकली, इट शुड बी डिफर्ड फॉर फर्स्ट इंस्टेंस, इट शुड बी डिफर्ड एंड इनका एग्जाम बाद में। ये जो जेकेएसएसबी इशू इशू का टेंटेटिव ईयरली एग्जाम के अच्छू टाइम, ये तो 7 साल के बाद होता है, आपको क्या जल्दी है एग्जाम देने की? हाँ थोड़ा डिफर कीजिए, 3 महीने आराम से यूथ देगी एग्जाम, अतमस क्या जल्दी से? यूथ कोई मास रिक्रूटमेंट नहीं मांग रही है, फेयर एग्जाम कीजिए। और हमारी कुछ रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि ये गए हैं यहाँ पर जम्मू गए हैं, वहाँ पर इनके सेक्रेटरी जेकेएसएसबी के सेक्रेटरी ने बोला है कि अतमस मसले चीज़ पॉलिटिकल प्रेशर है। जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? अगर हमारे यूथ में से किसी को भी कुछ हुआ, किसी को सुसाइड, सड़क पे हम तांडव करेंगे, उस टाइम गवर्नर ये नहीं बोलना चाहिए कि हम कानून हाथ में ले रहे हैं।